तो फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। क्लास टेंथ के जो भी छात्र 2020 में एग्जाम दिए थे, तो वैसे बात किया जाए तो कॉपियों को मूल्यांकन का यहां पर अंतिम चरण है और रिजल्ट जारी करने को भी अंतिम चरण में है। आप लोगों को जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि यहां पर आप लोगों को कॉपियों को मूल्यांकन, जितने भी मूल्यांकन सेंटर पर बचा हुआ है उन पर कॉपियों को मूल्यांकन पूरी तरह से समाप्त कर लिया गया है और रिजल्ट का भी यहाँ पर टॉपर का इंटरव्यू की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। इस स्थिति में बहुत सारे ऐसे स्कूल में देखा जा गया है कि बहुत सारे टीचर के गड़बड़ी कर दिया है के कारण से बहुत सारे स्टूडेंट पर उनका गलत प्रभाव पड़ सकता है, उनका नंबर कम आ सकता है। ऐसे में देखा जाए तो क्या गलती की गई है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है। ये भागलपुर का न्यूज़ यहां पर आप लोग को बताया गया है कि अंक नहीं भेजने से जिला पर रिजल्ट पर होगा अकड़। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पर अंक नहीं भेजा गया, जैसा कि आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ अंक आप लोग को भेजा नहीं गया और किन त्रुटियों के कारण यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट में आप लोग को गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा 2020 में रिजल्ट में प्रैक्टिकल परीक्षा में अंक नहीं भेजे जाने के कारण अलंगा लग गया है। जिले में समेत सुबह अन 16 जिले के संबंध में अल्टीमेटेड कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि बोर्ड ने निर्देश के बाद जिला स्तर पर स्कूल द्वारा लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक के जो भी छात्र 2020 में एग्जाम दिए हैं, तो वैसे छात्रों को आप लोगों को पता होगा कि साइंस और सोशल साइंस में प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, जिनमें आप लोग को स्कूल पर लिया जाता है, होम सेंटर पर लिया जाता है आप लोग को एग्जाम। इस स्थिति में आप लोग को कॉपी को लिखना होता है और वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना होता है, इस आधार पर वह नंबर दिया जाता है और वो नंबर आप लोग को सीधे डायरेक्ट यहां पर आप लोग को बोर्ड में भेजा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये नंबर नहीं भेजा गया है बोर्ड में, जिनके कारण से आप लोग को यहां पर रिजल्ट में लापरवाही दिखाई जा रही है। आप लोग को टीचर के द्वारा यहां पर बताया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर परीक्षा परीक्षा के नाम पर हो रही खानापूर्ति कलाई खुल गई है। मैट्रिक परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों को स्कूल स्तर पर साइंस इंटरनल असेसमेंट होना था, वही सोशल साइंस में लिटरेंसी क्विटी और प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर नंबर देना था। यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को पता होगा कि साइंस में आप लोग को यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और थ्योरी का एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल आप लोग को लेबोरेटरी में आप लोग को किया जाता है, प्रयोगशाला द्वारा आप लोग को इस तरह से नंबर दिया जाता है। और वही सोशल साइंस के यहाँ पर बात किया जाए तो सोशल साइंस में आप लोग को प्रोजेक्ट बनाना होता है, चित्र बनाना होता है और इसके आधार पर आप लोग को नंबर दिया जाता है। उनका चेक आप लोग को स्कूल में किया जाता है, जिनका नंबर अभी तक बोर्ड में नहीं भेजा गया है, जिनसे यहाँ पर देखा जा रहा है बहुत सारे स्कूल में ये लापरवाही की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन दोनों विषय में प्रैक्टिकल का अंक स्कूल की ओर से बोर्ड को भेजा जाना था। बोर्ड में ऐसे स्कूल की सूची भेजी है जहाँ पर परीक्षार्थी का यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि परीक्षार्थी को अंक नहीं भेजा गया है। बोर्ड ने कहा बिना प्रैक्टिकल अंक छात्रों को मैट्रिक का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जब तक यहाँ पर आप लोग को स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल का जो एग्जाम हुआ उनका नंबर अगर बोर्ड में नहीं भेजा जाता है तो इस स्थिति में आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग को स्कूल प्रैक्टिकल में आप लोग को पास नहीं किया जाता तो इस स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर संभावना फेल बनने की जताई जा रही है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोग को नंबर नहीं दिया जाता है स्कूल से तो ऐसे में आप लोग को मान्यता नहीं दिया जाएगा और रिजल्ट को नहीं जारी किया जाएगा, स्पष्ट रूप से यहां पर बताया गया है। साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे तक भेजी जानी रिपोर्ट रिजल्ट में होगा लंबित। यहाँ पर आप लोग को लंबित बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे तक आप लोग को जितने भी यहाँ पर स्कूल में ये गलती किए हैं उनके 5 बजे तक यहाँ पर बोर्ड में निर्देश दिया है कि 5 बजे तक आप लोग को नंबर भेज देना है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि बोर्ड के परीक्षा नियंत्रण अधिकारी ने गुरुवार के शाम 5 बजे तक इन स्कूल में बच्चे के प्रैक्टिकल अंक भेजने का निर्देश दिया है। इसके लिए बोर्ड में फॉर्मेट भेज दिया जिसे रिपोर्ट भेजनी है स्कूल। स्कूल के लापरवाही अगर छात्रों के रिजल्ट में लंबित होता है तो ऐसे में स्कूल प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन जिन स्कूल में यहाँ पर आप लोग को स्कूल में ये गलती किया गया है तो उन पर यहाँ पर आप लोग को प्रधानाध्यापक पर भी लापरवाही जताई जा रही है और ऐसे में नहीं भेजा जाता तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भविष्य की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि रिजल्ट का भी प्रोसेस अंतिम चरण में है, क्योंकि रिजल्ट अगर जारी किया जाता है तो आप लोग को प्रैक्टिकल का अंक जोड़ने के बाद यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट को अनाउंसमेंट किया जाता है। तो ऐसा में देखा जाए तो कॉपियों को मूल्यांकन पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त कर लिया गया है, जितना भी कॉपियों को मूल्यांकन सेंटर पर बनाया गया था। तो ऐसे में आप लोग को रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंतर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। टॉपर सत्यापन के बाद आप लोग को डायरेक्ट रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जैसे ही आप लोग को रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाता है इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही जारी होता है तो ऐसे में आप लोग को
आप लोग को वेबसाइट यहाँ पर क्रैश कर जाता है, जिनके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट को रिजल्ट चेक करने में परेशानी होती है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट में किसी प्रकार की परेशानी ना होगा, तुरंत आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।